वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अज की वीडियो दे विच आपां जाणांगे कि श्री अकाल तख्त साहब जी नूं होर किहड़े नाम दे नाल जाणिया जांदा है, श्री अकाल तख्त साहब जी का परंतर नाम की है, अकाल तख्त साहब नूं किसने कदों बनाया सी, अकाल तख्त साहब जी की महत्ता है, आपां इस दे बारे च गल्लबात करांगे। इस तों पहलां जेकर तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो। अकाल तख्त साहिब दी सिरजना हरिमंदर साहिब दे बिलकुल सामने कीती गई है। श्री अकाल तख्त साहिब दी सिरजना श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने कीती है। श्री अकाल तख्त साहिब दरबार साहिब तों 62 मीटर दी दूरी ते है। दरबार साहिब अते अकाल तख्त साहिब दे विचला फासला 62 मीटर है। अकाल तख्त साहिब तों हरिमंदर साहिब दिसदे हन, पर श्री हरिमंदर साहिब दे विचों अकाल तख्त साहिब दी इमारत दिखाई नहीं दिंदी। इसदा भी एक कारण है, गुरु हरगोबिंद पातशाह कहिंदे सी कि सिख नूं राजनीतिक गद्दी दे उपर बैठ के धर्म दिसना चाहिंदा है, जदों धर्म दे स्थान ते बैठ जावे तां उसनू राजनीति नहीं करनी चाहिंदी, उस समय उसनू राजनीतिक चालां नहीं चलनियां चाहिंदियां। अकाल तख्त साहिब सिखां दी राजनीतिक सत्ता दा प्रतीक है। गुरु साहिब ने सिखां नू राजनीति करन बारे कहा है कि सिख राजनीति कर सकदे हन, पर सिख ओ राजनीति कर सकदे हन जो राजनीति धर्म दे अधीन होवे। अकाल तख्त साहिब 1606 ईस्वी दे विच श्री हरगोबिंद पातशाह जी ने बनाया। उस समय इस नूं अकाल बूंगा भी कहा जांदा सी। कल भी कई सिंह इस नूं अकाल बूंगे दे नाम दे नाल बुलाउंदे हन। अकाल तख्त साहिब पंजे तख्तां दे विचों सिखां दा पहला तख्त है, जिस नूं गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने आप अपने हत्थीं बनाया है। अकाल तख्त साहिब नूं 1984 दे विच इंदिरा गांधी दे द्वारा ढाई ढेरी कर दिता सी। आपां अगली वीडियो दे विच जाणांगे कि इंदिरा गांधी ने जदों श्री अकाल तख्त साहिब नूं ढाई ढेरी कर दिता सी, उस तों बाद मौजूदा अकाल तख्त साहिब दी इमारत नूं किसने बनाया। अज दी वीडियो दे लई इन्ना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी।